तो जैसे हम अगर हम सीनियर लेवल पे जाएंगे, चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षक हो, कॉमिक लेवल पे भी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, फूड टेम्परेचर क्या होता है, फूड बर्निंगनेस क्या होता है, या फिर हमारी फैट मदर सोर्सेज क्या होती हैं। जैसे अभी सिक्स हो गई हैं, इसको अभी मेन इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। बस फाइव सबको पता है कि कॉन्टिनेंटल में फाइव फेमस हैं जो फ्रेंच से हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, एक बुके गार्डन से पता है, बुके गार्डन होता बंडल ऑफ फ्रेश हर्ब्स जिसे हम लोग डालते हैं ना दाल मुखी बना रहे हैं, तो उसमें खड़े मसाले डाल दिए ना, जैसे क्वांटिटी में उसको बोलते हैं बुके गार्डन, उसमें पास है रोज में साइन वगैरह को बांध के उबाल के जैसे हम लोग वैसे सोस बनाते हैं, उसमें डालते हैं नीम प्याज धनिया डाल के बेसन डाल के, हाँ उसको बुके गार्डन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मिरपोय अपना होता है अनियन सैलरी और कैरेट, इन तीन चीज़ों को मिरपोय बोलते हैं, इनका डिफरेंट कटिंग वाले पर्पजेस होते हैं। हम लोग जब रेड सॉस बनाते हैं टमाटो सॉस बनाते हैं उसके अंदर भी हम जैसे अभी जब जिसमें अभी बनाया था तड़का मारता उसमें उसको मिरपोय बोलते हैं, वो बेसिक है, वो फ्रेंच में चाहिए फ्रेंच के प्लग में। उसके बाद आता है अपना ब्रॉथ और स्टॉक। स्टॉक होता है वो बनता है सिर्फ बोन से जब हम उसको बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चटका मारते हैं चाइनीज सब्जी में होता है सूप बनाने का, वो लस रहता है यहाँ पे नहीं है, वो होता है सूप और ब्रॉथ, ठीक है। सूप ज़्यादातर क्या होता है, जैसे बीज पड़ा हुआ पड़ी हुई डाल दी उसको उबालने दिया पानी में, उसको ब्रॉथ स्टॉक होता है ज़्यादातर, वो सिर्फ बोन से बनता है। जो ग्रोथ होता है उसके अंदर मीट भी डाल दिया, वेजिटेबल भी डाल दिया, अपना मिरपोय भी डाल दिया, वो क्या ब्रोथ उसमें। उसके बाद आता है हमारा फूड सेफ्टी से कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। क्रॉस कंटेमिनेशन मतलब कि मैंने अगर कोई काटाया रेड चॉपिंग बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड आया मैंने काट के ग्रीन चॉपिंग बोर्ड पे, वो क्या होगा, कोई बंदा ऐसा बंदा आया ग्रीन चॉपिंग बोर्ड वेस्ट में काट के छोड़ दिया, उसका चिकन उसमें चला गया तो कंटेमिनेट हो जाता है वो बैक्टीरिया, ठीक है। चॉपिंग बोर्ड कितने तरह के होते हैं, सात तरह, ठीक है। अपना रेड हो गया एग मीट के लिए, वाइट हो गया बेकरी के लिए, येलो हो गया पोल्ट्री के लिए, ग्रीन हो गया अपना सैलेड फ्रूट्स के लिए काटने के लिए, वेजिटेबल काटने के लिए, पर्पल हो गया किसी को भी, अच्छा एलर्जी होती है, एलर्जी किसी किसी को एलर्जी होती है, किसी को पीनट से एलर्जी है, किसी को सोया सॉस एलर्जी है, किसी को सेसमी से एलर्जी है, इसके बारे में बताना चाहिए मैं। जैसे 14 तरह के फेमस हैं जो फूड एलर्जी होती है, जैसे अपना अंडा हो गया, दूध हो गया, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जिसको अपना कहता है ना कि मैं दूध साथ दूध खिलाऊँ मेरे को या तो वो जब फाट होने लगता है या तो उसको या तो तुरंत जाना पड़ेगा, उसको तुरंत पॉइंट जाना पड़ेगा उसको, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है वो भी होता है, ठीक है। उसके बाद अपना बात करते हैं, जैसे सबको पता हो बेसिकली सबको पता था कि फूड टेम्परेचर चाहे वो कुकिंग टेम्परेचर हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर हो, चाहे वो चिलर का हो, चाहे किसी चीज़ का टेम्परेचर हो, चाहे वो हम बॉइल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए किसी को, ठीक है। अच्छा जब जैसे हम जो फ्रेश वेजिटेबल होती है ना, फ्रेश वेजिटेबल होती है उसको किस टेम्परेचर के अंदर रखना चाहिए, अगर हमने बॉईल कर दिया तो उसको किस टेम्परेचर के अंदर रखना चाहिए, कोई भी चीज़ हमने बॉईल किया तो कितनी देर बाहर रहनी चाहिए, ये चीज़ के बारे में बताना चाहिए। जब हमने चिकन पकाई उसको दो घंटे से पहले ठंडा करना, दो घंटे से ज़्यादा हो गया तो हो जाएगा ख़राब, ये लोगों को पता नहीं था, उसको यूज़ कर रहे हैं बाहर पड़ा हुआ, सुबह आया बाहर से देख सामान पड़ा हुआ है शाम तक खराब हो रहा है, वो पता नहीं लोगों को कितना उसको रीहीटिंग का टाइम देता है, उसका भी एक टेम्परेचर होता है, इसके बारे में बताना चाहिए। रीहीटिंग टेम्परेचर सेवन का भी प्लस और अपना जो आपका फूड डेंजर जो सुना होगा आपको, बहुत सुना होगा आपने इसलिए कि 5 to 6 हाँ उसके बिटवीन रहता है, अगर 5 से ऊपर चला गया बाहर रखा हुआ है तो ऊपर उसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया रैपिडली ग्रोथ होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, उससे क्या होगा फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, फूड बर्निंगनेस हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, बहुत तरीके से बीमारी होती है इससे, ठीक है। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, फ्रीजर जो पास ये वाला फ्रीजर इसको होता है -80 डिग्री सेल्सियस और नीचे से ब्लो, ठीक है, हाँ नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, नीचे रहना चाहिए। और रेफ्रिजरेटर होता है ना, रेफ्रिजरेटर में यही अंतर है उसमें कि वो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसका 1 to 5, देख अक्सर देखना तो 3 के आसपास रहेगा ना, 3, 4, 5 ऊपर जाएगा ना, ऊपर नहीं आएगा, नीचे जाएगा ऊपर, ठीक है, ऑटोमेटिक उसका। उसके बाद क्या होता है जब सबको चिकन पका रहे हैं, ये देखा हुआ आपने बुफे में ओडीसी में कि जब जो 7 days में खाना खाओगे ना उसके नीचे एक रखा होता है फ्यूल जो जलता रहता है, उसको इसलिए लगा रखते हैं कि उसका जो ऊपर खाना खाओ ना वो गर्म रहेगा, गर्म रहने के लिए वो सेफ रहेगा, उसका टेम्परेचर 63 डिग्री प्लस रहना चाहिए,
इसको बोलते हैं हॉट वर्टिंग टेम्परेचर, हॉट वर्टिंग कोल्ड वर्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं कि हमने सेट बनाया वो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहना चाहिए, वो होता है कोल्ड वर्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद अगला इतना बहुत लोगों को ड्रॉइंग नहीं पता, जैसे ये तो अपना प्योर बैच है। ठीक है, जैसे नॉन वेज का काम करते हैं हम, ज़्यादा नॉन वेज होता है, चिकन निकाला डायरेक्ट डाल दिया कहीं पर भी, किसी भी पानी में कुछ भी गंदगी में नहीं, इसका भी एक प्रोसेस होता है। या तो हम अंडर जैसे टैप वाटर है ठंडा रहता है, इसके नीचे लगा के रख दिया चलता रहता है, स्मूथ हो गए और सही कुछ होता है। एक होता है ये जो होता है माइक्रोवेव में डाला उस टाइम के लिए पंप हो गया। तो तीसरा होता है अपना रेफ्रिजरेटर, जिसका 4 डिग्री सेल्सियस है ना टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस है, उसके अंदर रखा 30 घंटे के लिए, उसके अंदर ही रहना चाहिए। ये होता है कुछ भी मारा जितना वो नहीं कहीं भी फेंक दिया वैसा नहीं, बाहर रख दिया ऐसा, इसका प्रोसेस होता है। ये हो गया था, बहुत लोगों को फीफो वाली क्वेश्चन आपको बहुत लोगों को, ये तो आपको बता अच्छा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, किसी भी चीज़ को पहले रखा है तो वो पहले निकलनी चाहिए, समझो जिसको लास्ट में रखा है उसको पहले निकलना चाहिए। ठीक है, वो लीफो फीफो हो गया। उसके बाद जब हम फ्रिज में सामान रखते हैं जो अपना ये फ्रिज हो रेफ्रिजरेटर रखते हैं, ऊपर से ऊपर रहता है रेडी फूड, सबसे नीचे रहता है चिकन विकन वैसा। ठीक है, ये चीज़ पर ये होता है रेफ्रिजरेटर में कैसे स्टेक किया जाएगा, चीज़ सबसे पहले ऊपर सारे सलाह करता वगैरह रहना चाहिए, नीचे नॉन वेज रहना चाहिए। हाँ, ये उसको होता है फूड स्टोरेज गाइड, फूड स्टोरेज कैसे करते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपना है हाँ ये चीज़ हो रही है, जैसे अभी कल जो बात होती स्टिकर्स सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ मस्ट, कोई भी पूछ सकता है आपसे कभी भी, ये तो आगे हमेशा काम आएगा ही आएगा कि इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, मैंने किसी चीज़ को ब्लांच किया सेल्फ लाइफ कितनी, मैंने किसी चीज़ को एक बार काट कर दिया इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, हर चीज़ की सेल्फ लाइफ होती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रेडी टू मतलब रेडी टू ही जाती है पैकेजिंग वाली, उनकी सेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास चिकन आया उसको हमने रेडी पका कर दिया डिफ्रिज कर दिया तो वो खिंच जाएगा, 3 महीने 4 महीने खिंच जाएगा। ठीक है, उसको बाहर रखा रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो मैक्सिमम 3 दिन सेल्फ लाइफ चालू होती है। ज़्यादा चीज़ें जो हमारे पास बनी हुई होती है उसकी 3 दिन से ज़्यादा नहीं, किसी भी चीज़ की 3 दिन से ज़्यादा नहीं, जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर में रखी हुई है 3 दिन बाद वो आउट करना पड़ता है। ठीक है, और जब मैं बोलता हूँ किसी भी चीज़ को कवर करके रखो, क्लीनर मार कर रखो, ये बहुत जरूरी है, क्यों तब मैं समझाया था आपको, इसकी बैक्टीरिया कंटेमिनेट ना हो उस चीज़ से खराब ना करेगा, उसके बाद एक का बैक्टीरिया उसमें जाएगा तो उसको खराब करेगा, वो भी खराब होगा, वो बाहर आएगा वो भी खराब। और जब हम कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट या कुछ भी यूज़ करते हैं ना, उसे पहले वॉश करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वॉश करना। जैसे आप देखते हो सब लोग आते फटाफट काटा पीटा ट्राई देना, काटा पीटा ऐसे नहीं होता, इसका भी प्रोसेस तो बंदे चेक कर सकते हैं, सीनियर लेवल पे जाओ, छोटे मोटे लेवल पे क्या लेवल के काम करवाने होगा, बड़े लेवल पे एक एक चीज़ नोटिस किया जाए, इसके बारे में पता चलना चाहिए लोगों को। और रूम टेम्परेचर किसको पता है, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस, कभी चेक करना उससे चेक किया हुआ था मेरा से, हाँ देखा हुआ 33-36 इसके अराउंड ही रहता है रूम टेम्परेचर, इसके बारे में पता रहना चाहिए। डेंस जोन हो गया, हीटिंग टेम्परेचर हो गया, हॉट वॉटिंग हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो मदर सोर्सेस कितनी देख सकती है 6 तरह की, वैसे तो 5 है, मतलब घंटे को क्या है कि नहीं क्या, उसका भी कुछ फिक्स नहीं होगा, वैसे तो 5 ही छठी मैंने सेट कर दी, वैसे में हो गया, स्पिनल हो गया, हॉलैंडेज हो गया और अपना टमाटो हो गया। हाँ, बेस्ट वन जो बनती है और ब्लू तो हो गया अपना जो चिकन स्टॉक से बनती है, चिकन स्टॉक से आता है आपको रू सुना है, रू क्या होता है कल मैंने बताया था, रू होता है अपना इक्वल अमाउंट ऑफ बटर और फैट और फ्लावर, जैसे अपना कोई फैट वैट नहीं बनते इसके अंदर, ऑयल हो बटर हो कोई भी चीज़ ऑयल उसको फैट नहीं, फैट हो गया इक्वल अमाउंट, अगर मैं 100 ग्राम अपना बटर ले रहा हूँ तो 100 ग्राम मैदा चीज़ होती है। ठीक है, अब मैं वाइट सॉस बना रहा हूँ उसके अंदर क्या चाहिए, वो रू चाहिए, रू होती है तरह वाइट ब्लॉन्ड ब्राउन, ब्लॉन्ड ब्राउन चाहिए हमें इसके लिए, हमारे जैसे हमारा बीफ स्टॉक होता है। ठीक है, उससे हमें एस्पिनॉल बनानी होगा, एस्पिनॉल सॉस बनानी है, मदर सॉस में से एस्पिनॉल बनानी है, उसके लिए क्या चाहिए, ब्राउन रू चाहिए और ब्राउन स्टॉक चाहिए, ब्राउन स्टॉक बनता है बीफ से जो यहाँ पर अलाउड नहीं है, जैसे हमें साउथ साइड में अलाउड है, बाहर अलाउड है, वो चीज़ होती है।
मतलब सोचो सोचो उसके बाद वो भी हो गया मेरे पास, समझ आ गया तुम लोगों को है ना मेरे को क्या होता है। हां बताया था अनियन सैलरी हां वो लेकिन ज्यादातर क्वांटिटी बेस जाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बेस में क्या होता है चौबीस घंटे का खाना होता है, चौबीस घंटे बहुत होती है। इंडियन मोगे सिर्फ इंडियन 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 मोगे अपना मोगले भी रहते हैं मोगले, ठीक है। इंडिया का इंडिया बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, कंट्रीज है स्टेट सब, ठीक है। तो बहुत ज़्यादातर गए मुगल हो गया अपना, ये जितना नहीं इंक्लूडेड है। क्वांटिटी की बात आती है, क्वांटिटी का सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ। चौबीस घंटे खाना इटालियन मैक्सिकन फ्रेंच कई घंटे चौबीस बहुत से घंटे, ठीक है। उसके बाद ये भी हो जाता है फायदा है कॉन्टीनेंटल सीखना बहुत जरूरी है, थोड़ी सी पढ़ाई जरूरी है, थोड़ी सी पढ़ाई थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए। जब नेक्स्ट ईयर पे जाओगे ना तुम तो वहाँ पे मस्त हो जाएगा सेटलमेंट, बैठ के कुछ करना ही नहीं। एज यू कैन सी चल रहा सी हाँ।